इंटरनेट की बढ़ती हुई पहुंच से लोगों को यह अंदाजा तो लग गया है कि इंटरनेट में बहुत ताकत है। बीते वक्त में इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया पर काफी लोग फेमस हुए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ टैलेंटेड लोग रातों रात फेमस हो गए और उनको ढेरों फैन फॉलोइंग भी मिल गई है। बता दें कि आज के समय में लोग इनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। इन लोगों की जिंदगी को आम आदमी अपने तरीके से देखते हैं। आज हम आपके आगे ऐसे लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में सुन के आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सहदेव किड़दो। दोस्तों, आपने सहदेव किड़दो को तो जरूर जानते होंगे और उनका गाना भी आपने सुना होगा जो कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, चस्सा मेरा प्यार है जान तुझे की। ये सॉन्ग आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों, सहदेव की उम्र बहुत कम है, ऐसे में सहदेव मात्र 12 वर्ष की आयु में इंडियन आइडल 12 के मंच पर पहुंचने वाले हैं। बता दे कि सहदेव ने 2 साल पहले बचपन का प्यार गाया था। यह गाना उन्होंने अपने स्कूल में 26 जनवरी पर गाने के लिए तैयार किया था। ऐसे में एक टीचर ने उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। 2 साल बाद बॉलीवुड के फेमस रैपर सिंगर बादशाह ने इस गाने पर रिमिक्स बनाया और यह गाना हिट हो गया। बता दें कि किड़दो पूरे देश में छा गए हैं और उनकी फैन फॉलोइंग दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। रानू मंडल। रानू मंडल की आवाज़ इतनी सुरीली है कि कोई भी सुने तो मंत्रमुग्ध तो हो जाता है। एक प्यार का नगमा है, मौजू की रवानी है। बता दे कि रानू मंडल बंगाल के रेलवे स्टेशन पर गाना गाया करती थी। वह अपना पेट पालने के लिए गाना गाती थी, जो पैसे मिलते थे उससे अपना घर चलाती थी। बता दें कि एक बार वह मुंबई के रेलवे स्टेशन पर गाना गा रही थी, तब उनको हिमेश रेशमिया ने देख लिया। हिमेश रेशमिया को उनकी आवाज़ पसंद आ गई और रानू मंडल के साथ हिमेश रेशमिया ने एक एल्बम निकाल दी, जिससे रानू मंडल तेरी मेरी कहानी गाना गाकर हिट हो गई। रानू मंडल बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर के गाना गाती हुई स्पॉट की गई थी, तब वह प्यार का नगमा गा रही थी। फिलहाल के लिए रानू मंडल लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन उनके फेमस होने के पीछे सोशल मीडिया का ही सबसे बड़ा हाथ है। बिपिन शाहू। तो दोस्तों, बिपिन शाहू का वीडियो तब वायरल हो गया जब वे पैराग्लाइडिंग करने गए थे। बता दें कि यह लड़का हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का लड़का जो पैराग्लाइडिंग कर रहा था कि तभी आसमान में उसे डर नगले लगा। ऐसे में ज्यादा ऊंचाई के कारण वह तुरंत बोलने लगा, नहीं होगा, क्या हुआ यार? कुछ नहीं हुआ भाई, लैंड करना है अब अपने को। पैर ऊपर कर दिए हैं भाई, पूरे पैर ऊपर है भाई, भाई मैं बोल रहा भाई का तम से तुम्हारी का पैर ऊपर है भाई, बस मुझको लैंड करना है, लेकर दिए भाई। 200-500 ज्यादा ले लो, लेकिन मुझे लैंड करा दो। जैसे यह वीडियो इंटरनेट पर डाला गया तो लोगों ने रातों रात इंटरनेट पर बब्बाल मचा दिया। लोग अनेकों मीम्स बनाने लगे और यह लड़का रातों रात फेमस हो गया। प्रिया प्रकाश वारियर। प्रिया प्रकाश वारियर को तो आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि प्रिया प्रकाश वह लड़की है जो साउथ इंडिया की फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करती थी। वह एक लोकप्रिय साउथ फिल्म ओरू अदार लव में नजर आई थी। ऐसे में उस फिल्म का एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया था। इस क्लिप में वह आंख मारती नजर आई थी। बता दें कि उन्होंने इस तरह आंख मारी थी कि पूरी दुनिया को फिदा हो गई। वह एक समय पर इंटरनेट सेंसेशन बनकर उभर गई थी। दिनचक पूजा। सेल्फी मैंने ले ली और मेरा स्कूटर दिलों का शूटर, ये दो गाने तो आपने जरूर सुने होंगे। पूजा के गानों में भले ही कोई खास म्यूजिक लिरिक्स ना हो, लेकिन उसके इस अटपटे गाने को लोगों ने खूब सोशल मीडिया पर शेयर किया था। ढिंचक पूजा अपने सुरीली नहीं बल्कि बेसुरी आवाज़ के लिए मशहूर हुई थी। खास बात तो यह है कि उन्हें मशहूर होने के बाद टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस के लिए भी बुलाया गया था। अरशद खान। सोशल मीडिया की ताकत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी देखने को मिली।
जब वहाँ एक पत्रकार ने अपनी चाय वाले की तस्वीर को सोशल मीडिया पर डाला। अक्टूबर 2016 में पाकिस्तान में इस्लामाबाद में चाय बेचने वाले शख्स की खूबसूरती सोशल मीडिया पर छा गई और नीली आंखों वाले शख्स को मॉडलिंग तक ऑफर मिलने लगे थे। अरशद खान नामक यह शख्स इस्लामाबाद के संडे बाजार यानी कि पेशावर चौक पर चाय की दुकान पर काम किया करता था, लेकिन उनके लुक ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। अरशद कई चैनलों में इंटरव्यू देते हुए पाए गए हैं और आजकल तो वो पाकिस्तान में मॉडलिंग भी करते हैं। तो दोस्तों, इनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती है किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।